गुड मॉर्निंग गाइज, आज के एक और इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइज, सुबह के 9 बज रहे हैं। जब से बर्फबारी हुई है इतनी ठंड यहाँ है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज धूप निकला हुआ है, आप देख सकते हो सुबह से ही धूप निकल गया था। यहाँ देखो प्रतीक अलावा जलाकर बैठा हुआ है। इतना ठंड है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्या करे लोग। आज 2-3 दिन से हमारे घर में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ दिक्कत है। किसी को सर दर्द कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, किसी को कुछ हुआ। तो इसी के कारण 2 दिनों से हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। 9 बज रहे हैं और अभी तक ठंड इतनी काफ़ी है, अलावा जलाकर तापा जा रहा है। अभी हम आ गए हैं अपने छत पर। देखो गुनगुन यहाँ छत साफ कर रही है, बैठेगी सब आराम करेगी यहीं धूप में। आज धूप बहुत दिनों के बाद निकला हुआ है, 2-4 दिनों के बाद धूप निकला हुआ है। ज़्यादा ठंड होने के कारण हर चीज में लोग लेट चल रहे हैं, खाना पीना भी लेट से हो रहा है। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देख सकते हो अपने घर के पास है, घर के बाहर है। गुनगुन दी और मम्मी टीवी देख रही है। घर की साफ सफाई हो गई है। हमारे छत से हाईवे दिखता है एकदम क्लियरली। प्रतीक, पढ़ना नहीं है तुमको? ये मेरा छोटा सा पौधा है जिसमें हम रोज पानी डालते हैं। सुबह इस अचानक से धूप चली गई, देख सकते हो। और यहाँ पे गुनगुन दी पानी डाल रही है पौधे को। देख सकते हो अचानक से ही गायब हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब तो धूप खत्म हो गया, तब यहाँ पे क्या कर रहा है तुम लोग? छत गर्म है इसलिए बैठल है। ठंडा बहुत पड़ रहा है इसलिए धूप में इन लोग बैठा था। अब धूप खत्म हो गया फिर भी बैठा हुआ है, ट्यूशन का होमवर्क बना रहा है इन लोग। अब तो ट्यूशन के सर आने का टाइम हो गया। गुनगुन, इतना लेट काहे हो गया तुमको होमवर्क बनाने में? सुबह से ठंडा लग रहा था। हाँ? तो बना लिए हैं। सुबह से ठंडा लग रहा था, जब धूप आया तो बना लिया, धूप चल गया। और तुमको छींक आ रहा है बाबू? तुम बना लिया? नहीं, अब थोड़ा सा सिर्फ बचा हुआ है। तो सुबह से क्या कर रहा था? सुबह से ठंडा लग रहा था तो बैठे थे, और ठंडा में टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। देखते देखते बारिश भी होने लगा। देखिए सब गुनगुन कपड़ा हटा रही है, लोग अपना कॉपी किताब लेके नीचे जाएगा। हटाओ जल्दी जल्दी हटाओ, मौसम का तो कहना ही नहीं है। धूप थोड़ा बहुत आया था आज एक आध घंटे के लिए। बाबू देखो वहाँ कपड़ा है, हटाओ। और उस वहाँ पे कपड़ा है, ले लो उसको, बूंदा बूंदी पड़ रहा अभी। अच्छे से हटाना। और ये देखिए हमारे तुलसी जो लगाए थे पूरा सूख कर खराब हो गया, पानी पानी। और मिर्चा है, कपड़ा उठा लिया तुम लोग। चलो चलो नीचे। बोल रही है कि आज सर नहीं आएंगे, पानी पड़ने लगा। यही इतना पानी नहीं पड़ रहा है कि सर नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत पानी पड़ रहा है। आ गया, इसको हम लोग फोल्ड करेंगे।
ठंडा लगता है तो गुनगुन अजीब अजीब हरकत करती है गुनगुन, ठंडा लगता है तो। तो जा रहे हम कहाँ? ऐसे ही देखे मुंह देखे अभी बज रहे हैं 2 और हम हैं अपने दरवाजे पर, आप देख सकते हो। कभी कभी किसी चीज को करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता, इसका मतलब है कि आपको आलस्य घेर रही है। हमारी कोई भी इच्छा अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम प्रयत्न न करें। बिना हाथों को कष्ट दिए हम भोजन तक नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक इच्छा पूर्ति अपना उचित परिश्रम मांगती है, इसके बिना वह साकार नहीं हो सकती। प्रतीक है, क्या कर रहे हो बाबू, क्या हो रहा है? ऐसे ही गोड़ हाथ धो के और हैं? गोड़ हाथ धो के बैठे हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ है तुम? ऐसे ही बैठा जाता है, खड़े हैं? हैं? खड़ा है, खड़ा है कहोगे कि बैठे हुए हैं? बैठे हुए कहोगे कि खड़ा है ना। सो गाइस, शाम के 3 बज चुके हैं और देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन बैठे हुए हैं। कंबल के अंदर बहुत ठंड है गाइस। देखिए मामी है और मम्मी है, गुनगुंदी है, जिया दी है, इन लोग दोनों पढ़ रहे हैं और मामी मम्मी दोनों बात कर रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो सब कंबल में कोई पड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है और कोई पढ़ रहा है। जिया दी और गुनगुंदी पढ़ रही है और मम्मी बैठी हुई है। ठंडा बहुत है। ठंडा तो है ही। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ठंडा है, बच के रहिए। बूढ़ा बच्चा सभी कोई बच के रहिए। ठंडा मार देगा ना तो फिर कोई नहीं बचाएगा। हमको मार दिया था। जिस जिया को ठंडा मार दिया है, जिया को सुबह से इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि पूरे शरीर में दर्द हो गया है। एक पैर में दर्द हो गया, एक हाथ में दर्द हो गया। सो गाइस देखिए गुनगुंदी और मामी कपड़ा मोड़ रही है, देख सकते हो आप। मम्मी मम्मी देखिए, मम्मी भी आ गई, किचन में जा रही है गाइस। तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।